नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है, अब उसमें कितना कटाफ रहेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कितना कटाफ जाने वाला है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट किस डेट को जारी होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट बताने वाले हैं। वो भी लाइव दिखाएंगे भाई कि इस डेट को आपकी जो है कटाफ जो है आपकी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट इस डेट को जारी किया जाएगा। तो आज हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो भाई आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पांचवी मेरिट लिस्ट या छठवीं मेरिट लिस्ट सातवीं मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन सभी की वीडियो बना के आपको बताया जाएगा। तो हम पिछली वैकेंसी जो 2023 की थी उसके लेवल से हम बताएंगे कि आपका जो है आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है किस डेट को जारी होने वाला है। तो पिछली वैकेंसी का आप डेट देख सकते हो, जो इसका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट था जब आप इसमें ऑनलाइन जो है कर पाए होंगे, यहाँ पर 3 था, उसके बाद जो लास्ट डेट था 23 अगस्त था। तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पर मौका दिया गया था, आपको 20 दिन का मौका दिया गया था, उसके बाद जो करेक्शन विंडो थी वो 24 से 26 अगस्त के बीच में ओपन हुई थी, यहाँ पर बताया गया है भाई। आप देख सकते हो और लाइव भी देख सकते हो कि आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट किस डेट को जारी किया गया। तो यहाँ से जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था वो जो है 6 सितंबर को, मतलब कि 10 दिन का टाइम लिया गया था। आप देख सकते हो केवल 10 दिन में जारी कर दिया गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो यहाँ से देख सकते हो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है कब जारी किया गया था। सेकंड मेरिट लिस्ट में कुछ देर होती है भाई, क्योंकि सारे स्टूडेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद ही सेकंड मेरिट लिस्ट थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। लगभग 4 महीने तक इसका प्रोसेस चलने वाला है मेरिट लिस्ट का जारी होने का। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहोगे तो आपको हम जो है टॉपिक वाइज वीडियो बना के आपको बताते रहेंगे कौन सी मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। और पाँचवीं मेरिट लिस्ट लगभग 4 महीने बाद जारी किया गया था, जो 8 दिसंबर को जारी किया गया था, जो पिछली वैकेंसी 2023 की थी उसका हम बता रहे हैं भाई, ना कि इस वाली वैकेंसी का। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ सोच रहे हैं कि हमारा 60-70% है तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहां से आप देख सकते हो सारी मेरिट लिस्ट जो है, पिछली बार 5 ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, इस बार और भी मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। तो यहाँ से हम एक जो है एक स्टेट का आपको दिखाते हैं कि आपका जो है 70% है या 80% है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हमारा सिलेक्शन इसमें होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हम गुजरात का पांचवी मेरिट लिस्ट आपको दिखाते हैं, इसमें कितना कटाव गया था पांचवी मेरिट लिस्ट में, क्योंकि पांचवी मेरिट लिस्ट में ही ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो भाई, हम पांचवी मेरिट लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं, यहाँ गुजरात सर्कल आपको ऊपर ही दिखाई देगा, 2023 पांचवी मेरिट लिस्ट गुजरात सर्कल है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ 89 तक आपका परसेंटेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 82, 83, 84, 85, 89 तक। उसके बाद यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पर देखिए भाई, आपका 70% में भी जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, यहाँ 70% और 73% में भी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था। तो आप देख सकते हो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ था। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिनका भी परसेंटेज कम है उनका जो है लास्ट में जारी किया जाएगा, पांचवी या छठवीं मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन होगा। तो चैनल पर बने रहोगे तभी भाई आपको पता लग पाएगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपका मेरिट लिस्ट जो है इसी मंथ में आने वाली है, रक्षाबंधन के पहले ही आपका मेरिट लिस्ट फर्स्ट आने वाली है।